हड़ताल के 29 दिन बीते, वही ढाक के 3 बार, आज भी स्थिति जस की तस। संकल्प के तहत मैदान में आंदोलनकारी महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं आंदोलन को लेकर। मानदेय नहीं पेतन चाहिए, देश प्रदेश के इसमें करेंगे काम के लग रहे हैं नारे, लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम भी कह रही हैं आंदोलनकारी। नमस्कार, समाचार विस्तार से। देश प्रदेश के हित में करेंगे काम, लेकिन काम के लेंगे पूरे दाम, मानदेय नहीं वेतन चाहिए के नारे लगातार 29 दिन से गूंज रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय की हम बात करेंगे। दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सामने ये आंदोलनकारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल है। बुलंद नारी शक्ति जो संगठन है उसके बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। 29 दिन बीत चुके हैं और लगातार ये आंदोलन दिन पर दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। महिलाएं आंदोलनकारी झुकने को तैयार नहीं है, सरकार उनकी बात माने इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रही है। उनके प्रयास लगातार जारी है। प्रतिदिन वह अपने पंडाल में बैठती है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इन बच्चों के, इन महिलाओं के गोद में, अधिकांश जो महिलाएं होती हैं आंदोलनकारी उनके गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पारा जब लगभग 42-43 डिग्री को छू रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, विषम परिस्थिति है, वैसे ही समय में भी इनके हौसले जो हैं वो बुलंदी पर हैं। वो कहते हैं कि चाहे जो हो परंतु हम अपनी मांग को मनवा के लेंगे। जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका संचालन इनके द्वारा होता है, सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने की जवाबदारी इनके कंधों पर होती है, वो योजनाओं में विराम लगता दिखलाई दे रहा है। समस्याएं पैदा हो रही हैं, परंतु सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार है या कोई और अधिकारी है या कोई नेता है, कौन है जो बीच में व्यवधान पैदा कर रहा है। आखिर बात सुनना और उसके बाद समस्या का समाधान दोनों आवश्यक है। दोनों को बैठकर समस्या का समाधान अति आवश्यक रूप से निकालना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और फिर भारत सरकार की हो या मध्य प्रदेश सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है, उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है वह धरातल पर भी उसकी जो समस्या पैदा हो रही है वह भी ठीक नहीं है। सरकार का अपना पक्ष है, आंदोलनकारियों का अपना पक्ष है, पर बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ऐसी जानकार बताते हैं। क्योंकि आज 29 दिन बीत चुके हैं और ये हम इस समय चर्चा करते हैं फिर आंदोलनकारी जिले के अध्यक्ष शोभा तिवारी से और फिर हम चर्चा करेंगे एक और महिला से, आखिर क्या है उनकी योजना, क्या है उनका मत। वो आपको दिखे थे कि हमने एक बार और बताया था कि आज के सर बोल रहे हैं कि आप लोग हड़ताल से उठ जाइए, तो हम प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज हमारी कुछ बहनें आयुक्त सर से मिलने भी गई हैं, कुछ पदाधिकारी मध्य प्रदेश के, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है और हम लोगों की जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं होंगे। की मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग अपने अधिकारियों से परमिशन लेकर, वो परमिशन लेने गए हैं, तो हम लोग इस हड़ताल को उच्च स्तरीय हड़ताल बनाकर भोपाल में हड़ताल का धरना धरेंगे और उग्र रूप देंगे हड़ताल को, विस्तृत रूप से हड़ताल करेंगे, मगर जैसे भी बने हम लोग अपनी मांगों को पूरा करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।